गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है सेकेंड टर्म क्लास कोर्स के अंतर्गत क्लास नाइन का जो चैप्टर चल रहा था वर्क एंड एनर्जी चैप्टर अलेवन उसी का ये सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि वर्क किसको कहते हैं वर्क फिजिक्स की भाषा में वर्क किसको कहा कंसिडर किया जाता है ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली थी आज हम वर्क को और डिटेल में स्टडी करेंगे हमने वर्क को डिफाइन किया था कि वर्क को हमने डिफाइन किया था वर्क इज डिफाइंड एज ए फोर्स एज एज ए फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज ए डिस्प्लेसमेंट ठीक है यही सब बातें हमने सीखी थी कि वर्क तभी डिफाइन किया जाएगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा हो और उस फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आया हो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हुआ हो और ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस होगा वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ओके okay? तो इसी को मैथमेटिकली हम लोगों ने सॉल्व भी किया था मैथमेटिकली कैसे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस किया था कल F इंटू एस एफ क्या था फोर्स S क्या था डिस्प्लेसमेंट हम इसी को F इंटू डी थीटा करते हैं देखो W क्या है वर्क डन है वर्क डन एफ क्या है फोर्स है और डी क्या है डिस्प्लेसमेंट है अब ये थीटा क्या है थीटा इज द एंगल इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स जैसा लगा है फोर्स जिस डिस्प्लेसमेंट uh, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया और फोर्स जिस डायरेक्शन से लगा है उसके बीच का एंगल है ये okay? ओके तो अब वर्क कैसी है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी अब देखिए ये क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है स्केलर और वेंटर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसमें डायरेक्शन का कोई बोध नहीं हो जैसे कि स्पीड हमने आपसे कहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाओ तो जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप फ्री हैं आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं यानी कि इसमें कोई ये बोध नहीं हुआ कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप कहीं पे भी जा सकते हैं वेदर यू कैन गो टू द नॉर्थ वेदर यू कैन गो टू द साउथ वेदर यू कैन गो टू द ईस्ट वेदर यू आर गोइंग टू द वेस्ट दैट इज नॉट इंक्लूडेड ईयर इट इज अप टू यू यू हैव टू गो टेन किलोमीटर प्रति पर आवर ओके okay? तो यहां पर इस प्रकार की क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का बोध नहीं होता है देर इज नो इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन इस प्रकार की क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है क्या कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होंगी वेक्टर क्वांटिटी जिसमें नो डायरेक्शन इसमें क्या है नो डायरेक्शन स्केलर में नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड ठीक है वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हैं जैसे कि वेलोसिटी की बात करें अभी हमने क्या कहा था स्पीड स्पीड को क्या कंसीडर कर दिया स्केलर क्वांटिटी क्योंकि टेन किलोमीटर पर आवर यू हैव ओनली गिवन द स्पीड देर इज नो इंडिकेशन ऑफ द क्या डायरेक्शन इट इज अप टू यू आप किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं ओके okay. वेलोसिटी में टेन किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ अगर ये कहा जाए तो ये वेलासिटी हो गई यानी कि वेलासिटी इज ए वैक्टर क्वान्टिटी बट स्केलर इज ए बट स्पीड इज ए स्केलर क्वान्टिटी ओके इसकी स्पीड में डायरेक्शन का बोध नहीं है लेकिन वेलास्टी में डायरेक्शन का बोध है यहाँ पे वर्क में भी वर्क को भी जो क्या कंसिडर करते हैं इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी वर्क कैसी है स्केलर क्वांटिटी है ओके वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी तो तीन चीजें आ गई हमारे सामने तीन बातें आई हैं थ्री थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क कौन सी थ्री थिंग्स आर नेसेसरी three things are necessary for performance of work performance of work कौन कौन सी बात पहली बात पहली बात there must be an applied force applied force होना चाहिए अप्लाइड फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स क्या है F है दूसरी बात देर मस्ट बी ए डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए यानी कि यही इसको डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स कंसीडर कर सकते हैं इसको एस कंसीडर कर सकते हैं इसको डी कंसीडर कर सकते हैं सपोज दैट हम यहां पे डी कंसीडर कर रहे हैं ओके डी फोर्स होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और तीसरी बात क्या है तीसरी बात फोर्स मस्ट हैव ए कंपोनेंट यही जो कंपोनेंट अभी हमने इंट्रोड्यूस किया था थीटा ठीक है एंगल फोर्स फोर्स मस्ट हैव ए कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट के अलोंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो तीन चीजें तीन बातें थ्री थिंग्स आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अगर ऐसा कभी आ जाता है क्वेश्चन कहीं कि वट आर द नेसेसरी थिंग्स टू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क तो ये आप याद रखिएगा क्या है पहली बात अप्लाइड फोर्स जरूरी है इट इज नेसेसरी ओके दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट इट इज नेसेसरी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है तब भी वो वर्क डन कंसीडर नहीं किया जाएगा ओके okay? और एक कंपोनेंट होना चाहिए वो भी कैसा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट ठीक है फोर्स का कंपोनेंट होना चाहिए इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट के ठीक तो देखिए अब हम आते हैं अपनी पीपीटी पे क्या कह रही है ये पीपीटी द वर्क डन बाय ए फोर्स मे बी पॉजिटिव और निगेटिव किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो कैसा हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है कब वर्क डन पॉजिटिव होगा भैया ये देखो द वर्क डन बाय ए फोर्स इज पॉजिटिव तभी पॉजिटिव होगा फ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन इन सेम डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव वर्क तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा ये क्या लग रहा है फोर्स और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर गया इस तरफ ठीक है ये यहां इस तरफ आ गया डिस्प्लेसमेंट हुआ ठीक तो कैसा होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा पॉजिटिव वर्क डन डिस्प्लेसमेंट हो गया है ओके इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड कैसा वर्क कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव दूसरा क्या हो रहा है द वर्क डन बाय ए फोर्स इज निगेटिव वर्क डन किसी भी फोर्स के द्वारा निगेटिव होगा तब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे ठीक देखिए इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं यही ऑब्जेक्ट है इसमें हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट कर गया आगे की तरफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया लेकिन ये जो सरफेस है नीचे का ग्राउंड और इस बॉक्स का जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का सरफेस है इस ऑब्जेक्ट और इस ग्राउंड के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे लगा है ठीक है अपोजिट डायरेक्शन पे लगा है तो ये कैसा कंसीडर किया जाएगा ये फोर्स कैसा है एक प्रकार से निगेटिव फोर्स है यानी कि फोर्स तो लगाया जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो गया है इसके केस में हालांकि पॉजिटिव वर्क डन है फोर्स लगाया डिस्प्लेस कर गई बॉडी लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे एक्ट कर रहा है उसका वर्क डन कैसा है उसका नेगेटिव वर्क डन है ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ठीक ओके इसी को अभी और डिटेल में हम समझेंगे अभी ये जान लीजिए कि पॉजिटिव वर्क डन किसको कंसीडर किया जा रहा है और नेगेटिव वर्क डन किसको कंसीडर किया जा रहा है सपोज दैट इसी को सीधे सीधे ले लेते कि ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे और यह ऑब्जेक्ट मूव गया मूव कर गया इस डायरेक्शन पे फोर्स तो इस डायरेक्शन पे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे यानी कि अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स तो जब भी डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाएगा ऑफ अप्लाइड फोर्स के तो नेगेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क कंसीडर किया जाएगा ओके ये तो पहली बात थी ये दूसरी बात हो गई ये पॉजिटिव की बात थी और ये नेगेटिव की बात हो गई यहां अब मैं हूं तो थोड़ा सा ऊपर से देख लीजिए ठीक ओके okay, अब नेगेटिव वर्क डन को देखते हैं द वर्क डन बाई ए फोर्स इज जीरो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है सपोज दैट कि आप इस ऑब्जेक्ट को इसी ऑब्जेक्ट को फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है ये अपनी पोजीशन को बदल ही नहीं रहा है ये यहीं पे रहेगा जैसे कि हमने पिछले सेशन में आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम वॉल को पुश कर रहे हैं लेकिन वॉल मूव नहीं कर रही तो जब वॉल मूव ही नहीं करेगी तो देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब हुआ नो डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क डन ओके तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा जीरो होगा मतलब नो वर्क डन नो वर्क डन ओके और कंसीडर क्या करते हैं देखो द वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो जीरो है दूसरी बात द वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ठीक है परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट इसको भी समझ लीजिए सपोज दैट यही ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन पे है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के जो एंगल है वो कितना हो गया 90 हो गया ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के यही तो हो गया परपेंडिकुलर हो गया कि मतलब 90 डिग्री हो गया अब देखिए हमने जो स्टार्टिंग में क्या कहा था एफ इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी थीटा अब देखिए एफ लगा ओके okay? इनटू डी डिस्प्लेसमेंट हुआ ठीक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए कॉस वैल्यू की कॉस 90 की कितनी वैल्यू होगी कॉस 90 की वैल्यू होगी जीरो जीरो देखिए कॉस 90 की कितनी वैल्यू होगी जीरो ठीक है Cos 90 की वैल्यू कितनी है जीरो और cos 60 की अगर बोला जाए cos 60 ये सब टिक्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ये आपको आती होंगी कॉस 90 की वैल्यू जीरो है कॉस 60 की वैल्यू वन बाई टू होती है और कॉस जीरो की वैल्यू जीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है ओके तो ये कॉस होता है किसका उल्टा साइन का यानी कि साइन इसमें कॉस 90 है तो साइन जीरो कंसीडर कर लो साइन जीरो साइन जीरो की वैल्यू जो है वो कितनी होगी जीरो ओके okay? साइन जीरो डिग्री अगर थीटा जीरो डिग्री है तो और ये सिक्सटी का मतलब हुआ कॉस सिक्सटी की वैल्यू हाफ है तो कॉस थर्टी की वैल्यू साइन थर्टी uh, डिग्री की वैल्यू होगी वो हाफ और कॉस जीरो है तो साइन नाइन्टी की वैल्यू साइन नाइन्टी की वैल्यू हो जाएगी वन तो ये सारी बातें हैं टिक्नोमेटिक वैल्यूज़ हैं ये आपको वहाँ से पता चल जाएंगी तो यहाँ पे क्या है हमें कॉस्ट नाइन्टी की वैल्यू चाहिए थी कॉस्ट नाइन्टी की वैल्यू कितना हुआ जीरो ठीक है तो जब कॉस नाइन्टी की वैल्यू जीरो है और हम जीरो रख देंगे इसमें तो देखो क्या पाएंगे पुट जीरोन वी विल फाइंड वट देखो कास्ट नाइंटी एफ इंटू डी कास्ट नाइनटी की वैल्यू है जीरो तो ये हो गया इंटू जीरो अब ये जीरो जीरो सब मल्टीप्लाई कर गए तो क्या हो गया जीरो यानी कि जो वर्क डन है वो क्या हो गया जीरो ओके वर्क डन जीरो होगा दो सिचुएशन में पहली सिचुएशन ये कि डिस्प्लेसमेंट हो ही ना हमने वॉल में फोर्स लगाया वॉल डिस्प्लेस नहीं हुई उसने अपनी पोजीशन को नहीं बदला हमारे द्वारा कोई मतलब कि उसको फिजिक्स वर्क कंसिडर्ड वर्क डन जीरो है ओके नेक्स्ट क्या है कि अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलरली हो जाए फोर्स जो फोर्स लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा हो तो भी वर्क डन जीरो कंसीडर किया जाएगा ठीक है तो भी वर्क डन जीरो ही कंसीडर किया जाएगा यानी कि वर्क डन जीरो दो सिचुएशन पे होगा पहली सिचुएशन कौन सी है डिस्प्लेसमेंट ना हो दूसरी सिचुएशन कौन सी है अगर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हो डिस्प्लेसमेंट के ओके तो ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए वेन ए लिफ्ट वेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठता है मूव करता है और फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है वी आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट ओके ही आर द वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन क्या है पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स की तरफ ही अप्लाइड फोर्स की तरफ ही मूव किया है मूवमेंट हुआ है ठीक है बट देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड टू द ऑब्जेक्ट लेकिन एक ग्रेविटी है फोर्स जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और वो क्या है एक प्रकार का नेगेटिव वर्क डन है द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव ठीक है तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया गया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट को हमने उठाया फोर्स लगाया फोर्स लगाने पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो हमारे द्वारा पॉजिटिव वर्क हो गया पॉजिटिव वर्क हो गया लेकिन जिस समय ये ऑब्जेक्ट हम उठा रहे हैं तो एक नीचे की तरफ जी एक्ट कर रहा है ग्रेविटी ये नीचे की तरफ जी एक्ट कर रहा है तो इस जी गुरुत्वाकर्षण बल जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहते हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो कौन सा हो रहा है नेगेटिव वर्क हो रहा है ठीक है बस बिल्कुल वही है जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था फ्लिक्शनल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट में और डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे की तरफ लेकिन सर्फेसिस के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि कैसा है फ्रिक्शनल फोर्स है और उस फ्रिक्शनल फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो क्या है निगेटिव वर्क डन है क्योंकि दैट इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओके और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ठीक, ओके। तो ये इस बात समझ में आई कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क क्या होते हैं इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो गया होगा कि जो ग्रेविटी लग रही है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो जिस समय हम लिफ्ट कर रहे हैं और जिस फोर्स से उसको लिफ्ट कर रहे हैं उस समय तो वो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की तरफ मूव कर रहा है यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट उसमें जो वर्क डन हो रहा है जो हमारे द्वारा फोर्स लगाया गया उसका जो वर्क डन है वो तो पॉजिटिव है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है जो ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो वर्क है वो कैसा है निगेटिव वर्क है क्योंकि बल लग रहा है नीचे की तरफ और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ ठीक है तो अपोजिट टू फोर्स मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन इसलिए ये जो कैसा वर्क है ये नेगेटिव वर्क डन है ठीक है और वर्क डन जीरो कब होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स तो लगाएं लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो जीरो वर्क डन हो गया और अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलरली वर्क फोर्स लग रहा है तो भी वर्क डन जीरो ही होगा ओके ओके एक और एग्जांपल लेते हैं ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज पोर्टर कौन होते हैं कुली ठीक है कुली जो है लिफ्ट ए लगेज लगेज को उठाया इन्होंने अब 15 के कितना है 15 के का लगेज है फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड से नीचे नीचे रखा था बैग को ऊपर उठाया एंड पुट इट ऑन द हेड और उसने अपने हेड में रख लिया कितने ऊपर 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड लगेज नीचे रखा था उसने अपने हेड तक पहुंचाया उस लगेज को इसका मतलब है ही हैव अप्लाइड द फोर्स एंड लिफ्टेड इट टू द हेड ओके और ये कितनी दूरी है ग्राउंड से हेड की 1.5 मीटर दूरी है कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज लगेज में उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया है उसको कैलकुलेट करना है तो सीधी सीधी बात है दो बातें हमारे सामने हैं पहली बात तो हमें पता है कि लगेज का भार क्या है द लगेज पोर्टर लिफ्ट इन लगेज ऑफ इतना यानी कि हमें इसका मास पता है और कितना डिस्प्लेस हुआ है 1.5 मीटर ये दो बातें हमको पता हैं तो आसानी से डन निकाला जा सकता है देखिए डन को निकालने के लिए हमें पता है क्या क्या पता है देखो हमको पता है पहली बात तो 15 के जी है ये हमें पता है ये मास पता है ठीक दूसरी बात हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है 1.5 मीटर का ओके वेट पता है डिस्प्लेसमेंट हमको पता है अब हमको मालूम करना है वर्क डन वर्क डन मालूम करना है ओके तो वर्क डन क्या होता है भैया वर्क डन होता है एफ इंटू डी ओके एफ इंटू डी तो एफ क्या है यहां पे फोर्स है अब फोर्स कैसे निकालेंगे वर्क डन ये जो मास है यानी कि वेट निकाल लेते हैं ठीक ओके तो मास पता है और जी वेट निकालने के लिए वर्क डन वेट इक्वल टू फोर्स होता है फोर्स और वेट क्या है ये एम इंटू ए होता है और ये जो है वो एम इंटू जी होता है और ये भी एक्सीलरेशन डू टू ग्रेविटी है ये भी एक्सीलरेशन है दोनों एक्सीलरेशन है इसलिए एम ए इजल टू एम जी हो गया तो डब्लू इजल टू एफ हो गया यानी कि ये जो वेट है दैट इज ए फोर्स ठीक है अब तो जी की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम करनी होगी जी की वैल्यू कितनी है भैया जी की वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड होती है फिर सेकेंड स्क्वायर टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है ये जी की वैल्यू है टेन मीटर वेट हमें पता है फिफ्टीन मास पता है फिफ्टीन इसमें टेन इसकी जी की वैल्यू ठीक है एम जी हो गया ना और इन टू डी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो हम देख लें डिस्प्लेसमेंट 1.5 हुआ है मीटर इसको कैलकुलेट करोगे निकल आएगा ओके इसको कैलकुलेट करोगे निकल आएगा देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ डब्लू इजक्ल टू एफ इंटू एस वही है फार्मूला F की जगह क्या किया है एम जी इंटू एस एम जी क्या है वेट है वेट और वेट कितने F F के बराबर होता है ओके तो 15 kg जी इंटू टेन मीटर यह क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g है ठीक है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.5 मीटर हुआ है इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे सामने आया 225 kg ठीक है मीटर पर सेकेंड ये एक्सीलरेशन की यूनिट है क्योंकि एक्सीलरेशन है ना जी ठीक है एक्सीलरेशन की यूनिट है तो क्या निकलेगा भैया निकलेगा वही ये 229 न्यूटन मीटर ओके 225 न्यूटन मीटर 225 न्यूटन मीटर इसी को न्यूटन मीटर को क्या कंसीडर करते हैं वन न्यूटन मीटर वन न्यूटन फोर्स लगे एक मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो किसके बराबर होता है जूल के बराबर होता है तो दैट इज़ ए जूल वन जूल के बराबर है so तो इसको न्यूटन मीटर को हम जूल भी कंसीडर करते हैं ठीक है तो वर्क डन की जो यूनिट होगी वो जूल होगी तो यहाँ पे निकल आया आपका 225 जूल ये वर्क डन हुआ है यानी कि जो वेट 15 के वेट था 15 के वेट था 1.5 मीटर ऊंचे उसने अपने सर पे रखा है इसको उठाने में जो वर्क डन हुआ पोटर के द्वारा वो कितना हुआ 225 जूल जून यानी 225 जूल, जून ओके तो इट इज ऑल अबाउट द वर्क डन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क जीरो वर्क ऑल थिंग्स ऑलरेडी डिस्कस्ड ये सारी चीज़ें हो गई हैं अब जो है आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग कल एनर्जी का पार्ट डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनर्जी की बातें करेंगे तो करना क्या है वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ओके शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आप सभी के योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद